यूएई में 19 सितंबर से शुरू हो रहे आईपीएल के 13वें सीजन से पहले बीसीसीआई बड़ी मुसीबत में गिरता दिख रहा है। यूएई के सख्त कोरोना वायरस प्रोटोकॉल्स बीसीसीआई के लिए अब मुश्किल का सबब बन चुके हैं। आईपीएल मैचों का आयोजन यूएई के 3 शहर दुबई, शारजाह और अबू धाबी में होना है। इन तीनों शहर में से अबू धाबी के कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल सबसे सख्त है और यही बीसीसीआई के गले की फांस बन चुकी। नौबत यह आ चुकी है कि दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड इस समय यूएई की सरकारों से कोविड-19 नियमों में नरमी बरतने की बात कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष ब्रजेश पटेल और सीईओ हेमंग अमीन इस बात के लिए इस वक्त यूएई में हैं और वो शारजाह, दुबई और अबूधाबी तीनों सरकार को कोरोना वायरस नियमों में छूट की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अगर कोई शख्स दुबई से अबूधाबी जाएगा तो सीमा पर उसे कोरोना टेस्ट कराना होगा। इसमें 2.5 घंटे का समय लगेगा। इसके बाद अबूधाबी में 48 घंटे के अंदर उसे अपना कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अब अगर आईपीएल खिलाड़ियों पर भी यही नियम लागू रहा तो ऐसे में जब विराट, धोनी की टीमें दुबई से अबूधाबी जाएंगी तो इन खिलाड़ियों को पहले शहर की सीमा पर लाइन लगानी पड़ेगी ताकि उनका कोरोना टेस्ट किया जा सके। इसलिए आईपीएल और बीसीसीआई के अधिकारी यूएई की सरकारों से बातचीत कर आईपीएल टीमों के लिए होटल में टेस्ट कराने की मंजूरी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। बता दें कि आईपीएल 2020 शुरू होने से पहले बीसीसीआई पूरे तरीके से घिरा हुआ है। हाल ही में सीएसके में सीएसके के 13 खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए थे और इसी वजह से अब तक आईपीएल कार्यक्रमों का ऐलान भी नहीं हुआ। बीसीसीआई ने किसी फ्रेंचाइजी को इस संबंध में कुछ नहीं बताया। सवाल यह है कि अगर आईपीएल शुरू होने तक लगातार पॉजिटिव मामले सामने आ गए तो टूर्नामेंट का होगा क्या, ये कोई नहीं जानता। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक फ्रेंचाइजी के अधिकारी को डर है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो बीसीसीआई टूर्नामेंट को रद्द भी कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो अधिकारी ने भी कहा कि मुद्दा यह है कि अगर बीसीसीआई को आईपीएल रद्द करना है तो वो आज कर दे। बीसीसीआई 15 दिन बाद आईपीएल रद्द नहीं कर सकती। सभी टीमें यूएई में हैं और उन्होंने टीम पर काफी पैसा खर्चा किया है। सभी टीमों ने खिलाड़ियों को आईपीएल के लिए बुलाया है तो ऐसे में उन्हें पैसे भी देने होंगे। उन्हें ये भी नहीं कहा जा सकता कि आपने मैच नहीं खेले, हम आपको पैसे नहीं देंगे। अब सवाल ये है कि कैसे इस बार आईपीएल का आयोजन होता है। एएनपी न्यूज रूम की रिपोर्ट।